bit. मुझे लगता है एलपी यादव सर और ट्रीट एंटरटेनमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मुझे नहीं हमें इनवाइट किया है। आज मेरे साथ मेरे आई और बाबा भी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत कम इवेंट्स उनके साथ करती हूँ लेकिन आज उनके साथ आई हूँ और ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है क्योंकि मेरे आई बाबा मेरे टॉर्च लाइट्स रहे हैं पूरी ज़िंदगी। मुझे लगता है कि ये ऐसी सराहना जो मिलती है जो कि बिना कंपटीशन के अवार्ड जो मिलते हैं वो मेरे लिए ज़रा स्पेशल होते हैं क्योंकि ये आपके काम का जो परिवार है जो लोग आपका काम देखते हैं इतने सारे जर्नलिस्ट जो मतलब बारीकी से आपकी करियर को देख रहे हैं उन्होंने आपका काम सराहना, दिस इज़ क्वाइट स्पेशल। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीक्वल कब आएगा तो इस साल मुझे लगता है फरहान ने सबको जवाब दे दिया था लेकिन दिल चाहता है को 18 साल हुए हैं, एक तो यकीन नहीं आता इस बात पे। आज भी फिल्म उतनी ही ताज़ा लगती है, उतनी ही उम्दा लगती है और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू। भाई 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 बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रोग्राम है बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चों को जो अवार्ड दिया गया है ये उनके लिए बड़ी फख्र की बात है और एक याददाश्त रहे। उनको पहली दफ़ा ऐसा अच्छा अवार्ड दिया जा रहा है जिसमें पेरेंट्स को ऑनर किया जा रहा है। समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। अगर मुझे अच्छा वेब सीरीज मिला तो जरूर करेंगे, सेंट्रल रोल होगा, अच्छा रोल होगा तो जरूर करेंगे। राइट ना, तो सेम थिंग ना होगी। एक लास्ट चीज बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जमाने में जो भी आपके आज नहीं है इंडस्ट्री में, आज कल देखिए वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। वहाँ ज़रा ज़्यादा अपनापन होता था, अभी लोग शॉट दे के अपनी बैंड में चले जाते हैं। पहले हम शॉट दे के इकट्ठे बैठते थे, होता अब ये ज़माने के साथ साथ आदमी अडेप्ट करना पड़ता है। तो टुडे ऑल्सो इज़ वेरी गुड एंड यस्टरडे ऑल्सो इज वेरी गुड, टुमारो विल बी बेटर। अवार्ड होता है एंड आई थिंक एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड जैसा बड़ा अवार्ड जब आपको मिलता है तो इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स वेरी सैटिस्फाइंग। आपको लगता है कि किसी ने आपकी पीठ थपथपाई है, आपको किसी ने यू नो आपका काम सेलिब्रेट किया है। एनपी यादव सर और उनकी पूरी टीम, एनपी सर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अजीज़ हैं एंड एनपी सर डूइंग अमेजिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। सो ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट टू हिज टीम एंड वेरी वेरी हैप्पी अवार्ड मिला यार। मतलब अवार्ड किसको पसंद नहीं है, एवरीबॉडी लव्स एन अवार्ड। आई थिंक आज के अवार्ड्स मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है कि आई थिंक ये अवार्ड्स पेरेंट्स को भी दिए जाने वाले हैं, बट आई एम टोल्ड कि बिकॉज
ऑब्वियसली हम जो भी हैं बिकॉज ऑफ आर पेरेंट्स हैं, हम जो भी हैं, वट एवर आई एम टूडे, वट एवर ईच वन ऑफ अस इज टूडे इज बिकॉज ऑफ आर पेरेंट्स. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इट्स एन अमेजिंग थिंग, इट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग. बहुत कमाल की बात है कि आप सिर्फ उस सेलिब्रिटी को अवार्ड नहीं दे रहे हैं, आप उसके पेरेंट्स को भी फेलिसिटेट कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि थैंक्स टू यू आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी आज ये कर सका या कर सकी. सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग जेस्चर एंड आई थैंक एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड फॉर दैट. एन पी सर, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नोबल आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बहुत मज़ा आया. मेरी फिल्म आ रही थी मोगरा फुल्ला एंड भारती इज़ अ फ्रेंड एंड सोनी पीपल आर फ्रेंड्स. सो कंबाइन करके आई थिंक आई हैड द चांस टू गो टू खतरा खतरा खतरा. इट्स एन अमेजिंग शो. भारती एंड द होल टीम, आई थिंक दे आर अमेजिंग पीपल. बहुत बहुत मज़ा आया. हर्ष इज अ फन लविंग गाय. और हर्ष और भारती के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस किया है फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स. सो आई नो देम सिंस दोज डेज एंड इट्स ऑलवेज फन एंड इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन टू बी विद भारती एंड हर्ष एंड द एंटायर टीम, आदित्य हो and the other people, even the back end crew, I think they were all great fun. Thank you so much. आई थिंक एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स ऑलवेज स्पेशल रहते हैं क्योंकि यादव जी जो हैं वो इतने प्यार से और इतने सालों से, वो खुद एक वेटरन है, उनकी उनका पूरा परिवार इतने सालों से इंडस्ट्री में है. ट्रेड मैगजीन्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इंडस्ट्री में, ऑन स्क्रीन वालों के लिए नहीं लेकिन ऑफ स्क्रीन वालों के लिए, ज़्यादातर जो हमारा बिजनेस साइड है उसको संभालता है ये पूरा मैगजीन. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि आज उन्होंने पापा को चुना है कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं. जो पापा की जितनी फिल्में हैं जैसे खुददार, खेल खेल में, मजबूर, जवाब, इन सारी फिल्मों के लिए, तो एक मेरे लिए स्पेशली मौका है कि आज मुझे तो वो बेचारे दे ही रहे हैं अवार्ड लेकिन पापा को भी दे रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स ऑल द मोस्ट स्पेशल फॉर मी. आप डायरेक्टर बनना चाहती थी एक्ट्रेस बनने से हमें पता है, तो सर आपके पापा ने आपको बिग स्क्रीन पर पहली बार देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना सब कुछ कर सकती थी क्योंकि मैंने ना कोई ट्रेनिंग ली थी, ना कोई एक्टिंग क्लासेस, ना कोई डांसिंग क्लासेस, ना कोई यू नो एक्टिंग स्कूल में या कुछ नहीं. स्ट्रेट स्कूल के बाद इमीडिएटली आई फेस द कैमरा, तो वो थोड़े शॉक्ड रह गए थे कि आई थिंक ही वाज प्लेजेंटली शॉक्ड, ही वाज हैप्पी. अभी गणपति भी आने वाला है जी, इस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने पापा से मांगी थी और वो मिली आपको? हर बार पापा से प्रार्थना करती हूँ कि मैंने ऐसे कभी कुछ यू नो कोई ऐसी स्टॉन्च चीज़ मांगी नहीं है. बस धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ दिया है बस उसके लिए बस धन्यवाद मैं ज़्यादा देना चाहती हूँ. जिस भी मंदिर जाती हूँ, जिस भी मस्जिद जाती हूँ, जिस भी चर्च जाती हूँ, पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ. पर आई थिंक कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ है कि जब जब पापा आए तो घर पे ऑलवेज कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है हम सब के लिए. उनकी उनके आशीर्वाद हैं. लेकिन एक ज़रूर मैं हमारी पब्लिक से प्रार्थना करना चाहूँगी कि इस समय हमारी जो धरती माँ है वो बहुत डेंजर में है.
हम ये केमिकल पेंटेड गणपतिज जो POP के होते हैं, प्लास्टर पैरिस के होते हैं और अलग अलग केमिकल से रंगे जाते हैं, हम बहुत ही आई थिंक बापा का नाम खराब कर रहे हैं गणपति जी का। वो भी शायद नहीं चाहते होंगे कि हम अपनी धरती माँ को इस तरीके से पल्यूट करें और इस तरीके से पॉइजन फैलाएं। तो उनके नाम पे हम अपने नदियों में, हम अपने तालाबों में, हम अपने जो दरिया हैं उनमें हम पॉइजन लिटरली फैला रहे हैं। जहाँ वो ओशन लाइफ तो अलग ही बात है, लेकिन जो जो वहाँ से भी निकलता है, जो लेक में पानी जाता है, वो पानी भी हम पीते हैं। चाहे हमारा बिहार लेक हो, पवई लेक हो, वो हमको सबको पीने का पानी सप्लाई करता है, उसमें भी हम जहर डाल रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करूँगी लोगों से कि जितना इको फ्रेंडली गणपति जो मिट्टी का बना हो या अलग अलग तरीके के दालों का, या आजकल बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें आई हैं गणपति बनाने का, उस तरीके से सेलिब्रेट करें कि किसी भी जीव जंतु प्लांट्स पानी को नुकसान न पहुँचे। मुझे लगता है गणपति बापा भी यही चाहते होंगे। लास्ट क्वेश्चन, पानी का रीमेक हो रहा है अब, नो नजबली है, नजबली आप जज कर रहे हैं जी, कैसा जा रहा है सारा एक्सपीरियंस, बिकॉज सलमान सर पूरा प्रोडक्शन उन्होंने पूरा प्रोड्यूस किया है, तो कैसा रहा? मेरे लिए कोइंसिडेंट रहा है क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी पत्थर के फूल सलमान के साथ, और अब उनकी प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं नच बलिए, जो शो भी बहुत ही सुपर हिट हो गया है, सब लोग देख रहे हैं। और मैं ऑडियंस को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नच बलिए को इतना बड़ा आप लोग ने इतनी अच्छी तरह रिसीव किया है, मच अप्रिशिएटेड एंड धन्यवाद। ऐसे ही देखते जाइए और ऐसे ही मनोरंजन हम कोशिश करेंगे आप लोग की करने की। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं हमेशा ही खुश होता हूँ एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स के साथ जुड़कर। ये मेरा पहला साल तो है नहीं जहाँ पे मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि यादव जी और उनका उनकी सारी टीम जो है वो बहुत मेहनती है, और उनका भी योगदान इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहा है, और एंटरटेनमेंट ट्रेड उनका काफ़ी चल रहा है, मैगजीन या जो वीकली उनका आता है। तो मैं ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी उनके नज़दीकी लोग हैं सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ है हमेशा और वो हमेशा रहेगा। तो मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूंगा कि एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स के साथ ही बहुत आगे बढ़े, ये मेरी दिली शुभकामनाएँ। नहीं, मैं तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी बेटी भी इसी फील्ड में है जिस फील्ड में उसके माता पिता हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि लोगों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया है या कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरी बिटिया के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्यार और दुलार के साथ और आशीर्वाद के साथ ही वो आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू। साइड में लेके खड़े हो जाता हूँ और तुम्हारे इट फील्स रियली नाइस यार, अच्छा लगता है जब अक्नॉलेजमेंट होती है, लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलता है। अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स को इस बार अक्नॉलेज कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी नाइस थिंग। सो आई हैव कम विद माय मॉम, तो मॉम को भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली ये आज की शाम मतलब मम्मी की खुशी के नाम वैसा है। यार जितने भी पहले भी अवार्ड्स मिले हैं मॉम तो हमेशा साथ में जाती हैं,
तो बट अच्छी चीज़ इस बार ही ये मुझे बताई गई है, मैं अभी तक अंदर नहीं गया, जाऊँगा तो पता चलेगा कि या फेलिसिटेटेड, सो दैट्स अ नाइस थिंग। सो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले तो सिर्फ जो भी एक्टर्स होते हैं उन्हीं को आप एक्नॉलेजमेंट मिलता है, पेरेंट्स को हम थैंक यू बोलते हैं, तो इस बार वो फेलिसिटेट पेरेंट्स को कर रहे हैं। सो इस मीडियम पे और स्टेज पे उनको भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मतलब अभी तो नहीं यार, अभी तो बस आरोही पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, प्ले पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देयर इज अनदर प्रोडक्शन विच इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ थिएटर इटसेल्फ, सो अभी थोड़ा थिएटर थिएटर कर रहे हैं और आगे जब कुछ अच्छा आएगा तो वो करेंगे। थैंक यू सो मच।